तो आप सबके लिए एक बहुत ही ग्रेट न्यूज़ ये है कि मैं अब पढ़ाने जा रहा हूँ और आप सब रोना धोना बंद करके अब पढ़ना शुरू करें, नीट 2024 की तैयारी करना शुरू करें। तो नीट 2024 की तैयारी करना शुरू करें और आपको पता है कि तीनों सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, तीनों सब्जेक्ट से तैयारी, तीनों सब्जेक्ट से सिलेक्शन होता है। अगर आप सेलेक्ट वाकई होना चाहते हैं तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अच्छा होना चाहिए और इसमें बायो का 50% योगदान होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये NTA बताती है। और फिजिक्स का 25% योगदान होता है और केमिस्ट्री का 25% योगदान होता है। यानी इस बायो का, अगर आप बायो को अपने मुट्ठी में भर लेते हैं और बायो के कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका 50% चांस है कि आप इसी साल सेलेक्ट हो जाएं, यानी 24 में सेलेक्ट हो जाएं। इस 50% चांस को मैं आपको आसान करने वाला हूं और इस बायो में जो भी सवाल पूछे जाते हैं, यानी 360 मार्क्स का होता है, तो 360 बाई 360 की गारंटी मैं देता हूं कि आप कर पाएंगे। तो अब से हम YouTube और Unacademy पे लाइव पढ़ाएंगे और आप सब प्रण कर लीजिए कि मुझे आना है और अभी से पढ़ना शुरू कर देना है। जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ही जल्दी ख़त्म करेंगे और जितना जल्दी ख़त्म होगा हमें मॉक टेस्ट देने का टाइम मिलेगा, हमें रिवीजन करने का टाइम मिलेगा, हमें PYQ करने का टाइम मिलेगा, हमें बैकलॉग करने का टाइम मिलेगा, बहुत सारा टाइम मिलने वाला है। तो मैं क्या कराने वाला हूँ कि बहुत सारे डेमो क्लासेस होंगी अब, है ना, बहुत सारे डेमो क्लासेस होंगी अभी, उम्मीद बैच की डेमो क्लासेस होंगी। तो हर दिन 6:15 पे, एक चैनल है, दैट इज़ कॉल्ड नीट अल्केमी चैनल, उसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ हर दिन 6:15 में। और 8:00 तुरंत उसके बाद मैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे पढ़ाने वाला हूँ। अभी इस वीक में क्या होने का प्रोग्राम है, इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ाऊँगा, ठीक है, इस वीक में हम प्लान कर रहे हैं। और यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊँगा, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। और जो मैंने पिछले साल और उसके भी पिछले साल पढ़ाए हैं, इसी साल सवाल आए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से एज इट इज सवाल आए हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से एज इट इज सवाल आए हैं। तो आप सब नोट कर लीजिए और मेक श्योर हो जाइए कि आज से ही हमें ये करना है, है ना, आज से ही क्लास लगानी है और जी जान लगा देना है। और इस बार हमें 360 लेके ही छोड़ना है। थैंक यू।